कोफ्ते को मटी बनती बिल्कुल, और ये सूखा गुंडा, इन सब का मिक्सर बनता है पूरा साथ। बहुत ही क्रिस्पी मिर्ची के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हे एवरीवन, दिस इज अमन शर्मा और स्वागत है आप सभी का नेविगेटिंग फूड की एक और नई वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं ओसिया में, जो कि जोधपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। और ओसिया में हम आए हैं माता सचिया जी के मंदिर में दर्शन करने। तो आइए चलते हैं अंदर और माता जी के दर्शन करते हैं। चलिए बोलिए जय माता दी और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पास में आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने। बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ और उसके बाद हम मंदिर में पहुंच जाएंगे। और यहाँ जूते ऊपर जाके ही उतारने होते हैं। जैसा कि हम अंदर जाते हुए देख रहे हैं, यहाँ काफी बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कि बाथरूम, भोजनशाला, प्याऊ, विश्राम गृह आदि के। यानी आप यहाँ रुक भी सकते हैं और भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। तो मंदिर में भोजन व्यवस्था भी रहती है यहाँ पे। आइए इनसे पूछते हैं क्या है भोजन की टाइमिंग और क्या है प्राइजेस। अंकल क्या प्राइजेस रहते हैं भोजन का? जी 130 रुपये और बच्चा 3 से 8 का 60 रुपये। क्या टाइमिंग रहती है? टाइमिंग सुबह 8:30 बुकिंग चालू होता है, 11:15 बजे से भोजन चालू होता है। अच्छा, देने पे भोजन तैयार होता है। सुबह का टाइमिंग 8:30 से 11? 8:30 से बुकिंग चालू हो जाता है। ओके ओके। शाम को 5 बजे तक बुकिंग रहता है। ओके ओके। बुकिंग होगा तो भोजन और प्रसाद तैयार होगा माता। ओके ओके। शाम 5 बजे तक? 5 बजे तक बुकिंग है, 6 बजे तक लास्ट भोजन करवा देते हैं। जी, क्या क्या मेन्यू रहता है भोजन में? सादा भोजन 2 सब्जी रोटी चावल दाल, और माता जी के लिए लापसी बनता है 200 रुपये का, वो 1 घंटे से तैयार होता है मिनिमम। अच्छा, तो लापसी का प्रसाद भी हम लेके जा सकते हैं यहाँ से। ओके, थैंक यू, जय माता दी। यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे। मंदिर के बिल्कुल पीछे कुछ ऐसा नजारा है, शायद यहाँ कुछ और मंदिर भी है।
साढ़े दस में हो चुके हैं और मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे बहुत सारी सूखी सब्जियों की दुकान मिल जाती है। जैसे राजस्थान में काचरे की सब्जी बहुत फेमस है, तो यहाँ ये सारी सूखी सब्जियों के लिए आपके सामने दिख जाएगी। तो आप यहाँ के सूखे साग की मैं बहुत सारी शॉप देख रहा हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या ओसिया का फेमस है, क्या है ओसिया? सूखी सब्जी का सबसे बड़ी मंडी ओसिया जी है, और जैसे जो भी आइटम वर्षों से चला आ रहा है कि यहाँ क्लाइमेट की वजह से या कोई भी अगर सब्जी खराब ना हो उस वजह से उसको सूखा के स्टोर करते हैं और उसी सब्जी का स्वाद पूरे 12 महीने तक लेते हैं। तो क्या क्या वैरायटी और क्या क्या सब्जियाँ मिल जाती है? जैसे मोस्टली यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में कैर है, सांगरी है, कुमटिया है, गुंदा है, अमचूर है, कस्तूरी मेथी है, सूखा पुदीना है, मतलब राजस्थान की फेमस जितनी भी राजस्थान की, बिल्कुल शाही सब्जी, इसको शाही सब्जी बोल सकते हैं। और क्या प्राइजेस के आसपास रहती है? प्राइज जैसे केर सांगरी की लेवे तो 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, क्वालिटी के हिसाब से रहता है। आप कुछ वैरायटीज बता सकते? बिल्कुल, जैसे ये सांगरी ये 1000 रुपए किलो है, क्लीन माल। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी? हाँ, इसमें भी बारीक, बड़ा, मीडियम, जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। और इसके अलावा? और इसके अलावा ये सूखी गंवार की फली, ओके, और ये कस्तूरी मेथी, सूखी कैरी, अमचूर, आम जिसको बोल सकते हैं अपन। ये रहता है सूखी सूखे कुमटी। अच्छा, वो कैर कुमटी की जो सब्जी बनती है? बिल्कुल, और ये सूखा गुंडा, इन सब का मिक्सर बनता है पूरा। और ये हम पचकोटा भी बोलते हैं। बिल्कुल, पचकोटा बोल सकते हैं। और ये रहता है कैर, ये सब सूखा कैर है। बिल्कुल, ये जो हरे कलर का ग्रीन रहता है उसको सूखा के और ये इस तरह का हो जाता है। यही सब यहाँ की फेमस चीज है। तो अभी हमने देखा कि सूखे मेवों की या सूखे साग, क्योंकि राजस्थान के लिए तो ये मेवा ही है, तो सूखे साग की हमने दुकान देखी, जहाँ पे राजस्थान की सारी ऑथेंटिक सब्जियों की दुकान यहाँ पे सामने मिल जाएगी। ओसिया माता के मंदिर से बिल्कुल बाहर निकलते ही ये आपको दुकानें दिख जाएगी। यहाँ सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप यहाँ आए और राजस्थान का ऑथेंटिक कुछ सब्जियां खाना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि कुछ इसमें से प्रिजर्व भी है और कुछ इन्होंने अपने प्रिजर्वेशन के तरीकों से बनाई है, तो जो फ्रेश मिलती है उनका ही सूखा हुआ रूप यहाँ आपको मिल जाएगा। माता जी के दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं ओसिया के प्रसिद्ध पकौड़े खाने, जिन्हें हम जीवन जी के पकौड़े की दुकान के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ के पकौड़े और हम भी ट्राई टेस्ट करते हैं यहाँ के पकौड़े, क्या प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। ये शॉप आपको बिल्कुल बस स्टैंड के पास में मिलेगी, मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बस स्टैंड है, वहीं पे आपको जीवन जी के पकौड़े की दुकान मिल जाएगी। पकौड़े की प्राइस है 70 रुपए के 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम्स ऑफ 70 रुपीज। तो हमने भी अपने आधा किलो पकौड़े पैक करवा लिए और ट्राई करके बताते हैं। मैंने सुना है यहाँ के पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो क्यों ना हम भी ट्राई कर ही लें, क्योंकि टेस्टी पकौड़ों के शौकीन हम तो बचपन से ही हैं। तो पकौड़े लेने के बाद हम वापस अपने जोधपुर की तरफ बढ़ चुके हैं और बीच में एक ढाबा आता है, शिव शक्ति राजस्थानी ढाबा, वहाँ रुक कर अब हम अपने पकौड़े ट्राई करेंगे, देखेंगे इनका टेस्ट, और अगर लंच का हुआ तो भी यहीं कर लेंगे। इस हट के अंदर अब हम बैठ जाते हैं और ट्राई करते हैं अपने पकौड़े। तो हमारे जीवन जी के पकौड़े जो कि ओसिया के बहुत फेमस है सामने आ चुके हैं और हम ट्राई करने जा रहे हैं मिर्ची के साथ। बहुत ही क्रिस्पी मिर्ची के साथ, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पुदीने की चटनी का इतना रोल नहीं रहता होगा, क्योंकि मिर्ची के साथ ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक जब भी आप जैसलमेर के रास्ते, फलोदी के रास्ते जाएं या जोधपुर भी आएं, तो एक बार ओसिया के पकौड़े जरूर ट्राई करें। ऐसे के ऐसे जब आप बालोतरा बाड़मेर की साइड जाते हैं तो वहाँ पे आपको दवा के पकौड़े भी मिलते हैं, दवा में भी पकौड़े बहुत फेमस है और यहाँ के पकौड़े भी बहुत फेमस है। तो आइए ट्राई करते हैं, मुझे तो बहुत शानदार लगे, आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आके पकौड़े जरूर ट्राई करना, जीवन जी के पकौड़े A1।
तो ढाबे में अब हमारा खाना भी आ चुका है। खाने में ढाबा स्टाइल सेव टमाटर, दाल फ्राई, दही और रोटी और सैलेड, पकौड़े बहुत ही शानदार थे और अब खाना भी शायद उतना ही शानदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके हाथों में जादू है। अब मैं रुकूंगा नहीं, वीडियो चाहे चालू रहे चाहे बंद। सुपर धन्यवाद फिलहाल के लिए। मैं हेमंत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम नेविगेटिंग फूड और चलते हैं कहीं और डेस्टिनेशन पे, कुछ खाते पीते फिर मुलाकात करते हैं आपसे।